किया। नाइट मैनेजर की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। रवि सर के बारे में मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। इस सफेद दाढ़ी और बालों के पीछे वही इंसान है जिन्होंने 20 साल पहले उर्मिला मंतोड़कर को कहा था, देखिए सारे लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, देखिए 30 इयर्स। ये इन्होंने लगभग 20 सालों बाद एक्टिंग में वापसी की है। तो सर, कोई आपने एफडी करा रखी थी, मैच्योर होने का वेट कर रहे थे? सर ऐसा हुआ, लॉकडाउन के दौरान कड़की शुरू हो गई। कड़की शुरू हो गई? हाँ जी। तो मैंने सोचा अभी क्या किया जाए। नहीं, बट टू बी रियली सीरियस, 10 साल मैंने कुछ नहीं किया बूगी के बाद, और लॉकडाउन के टाइम मैंने सोचा आप कुछ करते हैं। जब सबने बंद कर दिया जी। सर, सर यही तो खासियत है जी। मेरे दोस्त हंसते हैं, बोलते जब हम रिटायर होने की सोच रहे तू फिर शुरू करने की सोच रहे, बट ऐसा ही होना चाहिए, क्या बोलते हो? बिल्कुल। ये दाढ़ी का श्रेय भी लॉकडाउन को जाता है, क्योंकि थोड़ा लेजी हो गया था जी। बोला शेव शूव कौन करता है यार, छड्डो। तो 15-20 दिन निकल गए, घर पे मम्मी ने, भाई ने, सिस्टर ने सडनली देखा, बोले यार तू अच्छा लगने लग गया है। नहीं सीरियसली, बोले यार ये लुक मेंटेन कर। मैंने मेंटेन कर ली, एंड द रेस्ट। जब फेस आधा छुप गया तो तुम ज्यादा अच्छे लगने लगे। ये शी साउंड्स लाइक माय सिस्टर। तो ऐसे हर किसी का आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता है ना, जैसे मुझे भी मेरे बड़े ताऊ जी याद आते हैं इनको देख कर। पर आपका भी अरसा ही कितना लंबा करियर है यार, वाओ, मतलब मुगले आजम से लेके आज तक। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब जब पृथ्वीराज कपूर साहब अवेलेबल नहीं होते थे उनका बॉडी डबल डबल करते। आदित्य के बारे में हमने सुना है कि प्रमोशन के दौरान ना एक रियल होटल में सच्ची में नाइट मैनेजर बनके और लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे। हाँ, हैं? हाँ। किसी ने गुस्सा भी किया कि खुश हो रहे थे कि आदित्य रॉय कपूर कर रहा है, कोई नहीं करवाते रहो चुपचाप? नहीं नहीं, वन टू पीपल डिडंट रिकॉग्नाइज मी आल्सो, तो एक्चुअली उनको लगा कि मैं सच में मैनेजर हूँ। अच्छा। तो 2-3 जन के लिए मैंने एक्चुअली नया की कार्ड बनाया, एक जन को मैंने चेक इन किया, पर मतलब ध्यान से किया, आई वेंट 2 आवर्स पहले, आई लर्न हाउ टू डू द चेक इन, ये वो, तो मजा आया। पर 2-3 आई मेट वन एक्स टीचर, सर आदित्य योर बिकम एक्टर, ऐसे मैम अभी ना वो एक्टिंग नहीं चल रहा है तो बैकअप चाहिए ना। बट सैडली शी बिलीव मी। अनिल सर का ना सीरीज में एक डायलॉग है कि दूर से तमाशे की तरह देखो तो जंग कितनी खूबसूरत चीज है। सर कभी आपने ऐसा किया है, आप सड़क पे जा रहे हो और किसी का झगड़ा हो रहा है और आपने गाड़ी बंद करके साइड पे थोड़ी थोड़ी देर देख के चलता हूँ? कभी होता ना, हम लोग पहले होते तो देख लेते हैं ऐसी चीज, तो कभी आपने किया है ऐसे? नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं किया, मैं घुस जाता हूँ। बैठे, गाना खत्म हो चुका है, नाचे क्यों जा रहा? नाच नहीं रहा हूँ पापा, मैं मेरे पैंट में एक चींटी घुस गई है। बेटा जितनी बड़ी तेरी पैंट है ना, इसमें चींटी नहीं डायनोसर भी घुस सकता है। हमारा अच्छा है अनिल सर, हम स्कर्ट पहनते हैं। चींटी कब आती है कब जाती है। हमें तो पता ही नहीं चलता, मजा ही आ जाता है। क्या ये क्या कर रहे पापा? अभी अभी एक चींटी घुसी है बेटा। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, वेलकम टू द शो। वेलकम वेलकम। क्या बात है अनिल सर, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी दूर से आप हमारे सीजन का एंड करने के लिए आए। सीजन का एंड करने नहीं आए, नाइट मैनेजर के लिए आए हैं पापा। बेटा ये फिल्में, ये सीरीज, ये सब एक बहाना है। अच्छा? अनिल सर का मेन काम है लोगों के सीजन एंड करना। क्यों अनिल सर, पिछली बार भी आप आए थे जुग जुग जियो के लिए आए थे ना, तो तब भी सीजन हमारा एंड हुआ। करेक्ट करेक्ट, याद है मुझे। क्या बात है, दिस इज अवर फिनाले। मैं एक चीज बेटे कपिल कहना चाहूंगा जी,
9 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला अर्चना जी को. हमें तो पता चलता है क्योंकि हमें हर एपिसोड में मेहनत करनी पड़ती है. 9 महीने हमने ये शो खींचा है. जोरदार तालियां हो जाए. बाबा, बाबा, जेंटल रिमाइंडर. बाबा क्या बेटे? 9 महीने हमने खींचा है, आप 3 महीने पहले ही आए हैं. मुझे वो 6 महीने याद मत दिलाना, समझा? एक एक दिन मैंने कैसे बिताया है मैं ही जानता हूँ. और वैसे भी ये आखिरी सीजन. हाँ बजा, तू भी काम किया कर थोड़ा. आखिरी सीजन ये भी खत्म हो गया. ए पापा, बाबा मेरे प्यारे पापा. ए पापा, आखिरी सीजन क्यों कह रहे हैं? ये तो शुरुआत है पापा, इसके बाद सीजन पे सीजन आते रहेंगे. आएंगे ना? हाँ? बस यही जानना था मुझे. क्योंकि कपिल भांडुप में मैंने एक फ्लैट देखा हुआ है. और अनिल सर, वो फ्लैट में सिर्फ देखना ही नहीं, उसे खरीदना भी चाहता हूँ. इसीलिए तूने कुछ देखा है कि नहीं बेटे? हाँ पापा. क्या बेटे बता? वो भांडू में जो फ्लैट देखा है ना आपने? हाँ. मैंने खरीद लिया पापा. मैंने यहाँ पे पूरे 9 महीने किए पापा, पूरे सारे के सारे, हर एपिसोड. हट, बैठो नीचे, बैठो नीचे. चिढ़ा रहे हैं तुम लोग, बैठो. अपने बाप को चिढ़ाता है तू? बाबा, इतने बड़े बड़े स्टार आए, इनसे बातें कीजिए ना. कहाँ हम दोनों. सही बात है यार, बहुत मजा आ गया. इतने बड़े बड़े सितारों के लिए जोरदार तालियां. वाह, बहुत अच्छा है. इतने बड़े बड़े स्टार हैं आप लोग, इनके बीच में एक छोटे स्टार भी बैठे हुए हैं. अब ये क्या कह रहे हैं? अरे दिखने में यार, दिखने में. क्या बात है अनिल सर, आपकी फिटनेस कमाल की है. ऐसा नहीं लगता दोस्तों, आप ही मुझे बताइए, अनिल सर को देख के ऐसा नहीं लगता जैसे आदित्य रॉय कपूर के छोटे भाई ने वेब सीरीज में डेब्यू किया हो? लगता तो ऐसा ही कह रहे हैं पापा, है ना? हाँ. तो बताइए अनिल ब्रो, कौन से स्कूल में जाते हैं? इधर आ कोने में. कॉमेडी में ना एक लिमिटेशन होती है. ऐसी बातें किया करो जो बिलीवेबल हो. स्कूल में जाते हैं क्या? कुछ भी पूछता रहता है तुमसे. मैं तो. और अगर अनिल सर से कुछ सीखना है तो उनकी फिटनेस सीख. जिम में जाके देख, रोज ही अपना पसीना पोंछते हैं. और पसीना बहाते होंगे. हाँ तो बहाते हैं तो पोंछते भी तो होंगे. है ना अनिल सर, बड़े आदमी है तो क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी कोई बटन लगाया हुआ है कि बटन ऑन किया और वाइपर से ऐसे पसीना पूछ गया. मैं कैसे बाबा, कैसे 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 ऐसे बटन दबाया और ऐसे ऐसे करके पूछ गया. बात करता है. लेकिन अनिल सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. आप, मुझे पता है जिम में बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत वेट उठाते हैं, लेकिन आप अर्चना जी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते. हाँ, अरे एक टाइम था जब अर्चना जी जिम में 100-100 किलो उठाती थी. लेकिन आजकल नहीं उठाती. क्यों 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 बाबा? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं ना बेटा. लोग देख लेते हैं कि कौन सामान चुरा के जा रहा है, उठा के जा रहा है बेटा. ऐसा होता है. ओह गॉड. अनिल सर, कॉमेडी अपनी जगह होती है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वाकई में. क्या बात है सर, क्या क्या बाल हैं, क्या स्किन है, क्या आंखें हैं, क्या पर्सनैलिटी है, क्या 10,000 हैं. ए पापा, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या 10,000 हैं. अगर हैं तो दीजिए सर. 100%. हम लोग कौन से असली हैं, हम तो खार घर में रहते हैं, वहां भी जाना होता है. खैर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा अनिल जी,
क्या हुआ? अच्छा एक चीज दिल से कहना चाहूंगा अनिल सर, आपको देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। क्या उल्टी कर रहा है क्या फिर? क्या किया तूने ये? मैं अप्रिशिएट किया पापा। अच्छा, और आदित्य, व्हाट ए हैंडसम बॉय। आदित्य, आपको देखकर मुझे इसकी जवानी याद आ गई। और रवि जी, बोलो बोलो बोलो। आपको देखकर मुझे सुषमा की जवानी याद आ गई। सुषमा कौन है भाई? सुषमा कौन है बाबा? ये एक मेरी दोस्त थी बेटा, उसके साथ बैठकर मैं वो देखता था। क्या? बुगी 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 बुगी, ऐसा करके डरा देते थे। बड़ा मजा आता था, वो मैं बहुत देखता था। अच्छी बात है बाबा, सबकी याद आती है आपको, बस अपने से बेटे की याद नहीं आती। बेटे, सुषमा चली गई इसलिए उसकी याद आती है। जवानी चली गई इसीलिए उसकी याद आती है। तू तो कहीं जाता ही नहीं है, सारा दिन मेरे साथ चिपका रहता है। आपको पता है अनिल सर, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है, वहां भी मेरे पीछे लगा रहता है। कल अंधेरे में कपिल मैं से पजामा पहन रहा था, दूसरी तरफ इसने टांग डाली हुई थी। सारा दिन मुझसे चिपका ही रहता है। अभी यहाँ गेस्ट से बात करने दे। तो कीजिए ना, मैं रोक रहा हूँ क्या? रोक रहा हूँ क्या? कुछ भी बोले जाता है बीच में टोकता है। रवि साहब कैसे हैं? बहुत बड़े फैन हैं हम लोग आपके। बेटा उनको बता तो सही, फार्म हाउस पे जी हमने आपके लिए डिनर तैयार किया है। अच्छा। आप जरूर आइएगा, अगर आप नहीं आए तो कोई कवि आके वो खाना खा जाए। पापा कवि खाना क्यों खाएगा? उन्हें वो सुना नहीं क्या, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं माफी चाहता हूं, इन पे कुछ और बन नहीं रहा था। ठीक है ठीक है। रवि जी, मैं आपको सलाह भी देना चाहूंगा। पीपल गेट एंग्री, हो जाता है गुस्सा आ जाता है लोगों को, लेकिन आपको कभी भी गुस्सा आए तो किसी पे वार कभी मत करना। क्यों बाबा? ये तो लोग कहेंगे रवि वार कर रहा है। बस इन्हीं की वजह से सीजन बंद कर रहे हैं, ये जो आपने बोला। रवि बार हो, रवि नहीं हो। ये क्या बोले जा रहा है तू? रवि नार सही बोल रहा है वो। अच्छा बाबा, आपने रवि का रविवार किया, वो मैंने ठीक है, तूने तो उनका जेंडर ही बदल दिया। रवि में क्या होता है? बात करता है वो, तो चलो जानते हैं हमारे शो के, वो फर्स्ट टाइम आए हैं दोनों ब्यूटीफुल लेडीज, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। शोभिता शो में आई हैं, और तिलोतमा जी, जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो संजू बाबा से कितने में लिया ये आपने? क्या क्या पापा? तम्मा वो। क्योंकि वही कहते हैं ना, तम्मा तम्मा लोगे, तो मुझे लगा आपने उन्हीं से लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैंने दोस्तों एक मिनट, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं। क्या बात है, डरा रहा है क्या मेरे को? नहीं नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं, लेकिन आदित्य जैसा हीरो मैंने आज तक नहीं देखा। व्हाट ए हेल्पफुल नेचर। अनिल सर, मैंने बहुत हेल्पफुल नेचर है इनका। मैंने देखा, मैं आप लोगों को बताऊं कि बारिश में एक लड़की कपिल भीग रही थी। ये गए, इन्होंने जैकेट डाली उसको। हैं? और अपने आप को भी एडजस्ट किया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। पापा पापा, हाँ मेरे भोले पापा। क्या? वो किस कर रहे थे। जैकेट को कौन किस करता है बेटा? जैकेट को नहीं पापा, लड़की को किस कर रहे थे। फिल्म में उन्होंने कवर किया, मैं भी यहाँ पे बात को कवर कर रहा हूँ। तू सरेआम बोल रहा है कि वो किस कर रहे थे, शर्म नहीं आती तेरे को?
मैं बड़े बड़े लोगों के सामने क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बात ठीक से समझ में नहीं आई थी. मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ. वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं जब भी कोई नई चीज सीखता हूँ ना, मेरे पापा मुझे गिफ्ट देते हैं. अभी कुछ दिनों पहले मैंने चाय को छानना सीखा है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट दी है. कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, ये अनिल कपूर जी वाली घड़ी है, मिस्टर इंडिया वाली. पापा बटन दबा के गायब होके दिखाऊंगा. अभी नहीं, अभी नहीं, पहले जा पांडे को डरा के यहाँ उसको चिढ़ा, वो देख मेरे पास घड़ी है, जा जा. ये एक्चुअली जिद कर रहा था कि मिस्टर इंडिया वाली घड़ी चाहिए. मैंने तो ऐसी अंधेरी स्टेशन से लेके दी है. अनिल सर अगर ये पूछेगा ना गायब हुए क्या, तो आप कह देना हाँ, आप लोग कह देना प्लीज. है बच्चा है, आ जा बच्चे, आ जा आ जा आ जा. पापा. हाँ बेटे. गायब हो जाऊं? हाँ हो जा. ओके, आर यू रेडी? हाँ. मैं गायब हो रहा हूँ. हाँ. 1 2 3. अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा! मेरे बेटे. पापा! हाँ बेटा. मैं इधर हूँ. बेटा तू कितना भी हाथ दिखा ले, तू गायब हो चुका है. पापा! मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा! हाँ बेटे, जबान खींच लूंगा मैं तेरी, समझा? मेरा बेटा कहाँ है? पापा, पापा, मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं सच में गायब हो गया हूँ. हाँ बेटे, तू गायब हो चुका है. अरे ओ, केला हवा में उड़ रहा है. वाह, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह केला हवा में उड़ रहा है. वाह वाह, मेरा बेटा गायब हो गया. कहाँ मेरे बुन्नू? बुन्नू कहाँ है तू? हेलो. हट वहां से, सोभिता जी के पास हट. पापा मैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको कैसे पता चला मैं वहां हूं सोभिता जी के पास? तू ना मेरा बेटा है, समझा? मैं भी अगर गायब हो जाता तो रवि बहल जी के पास थोड़ी जाता, उन्हीं के पास जाता. मुझे सब पता है. यार बकवास कर रहा है तू, मेरी कभी भी नाक नीची मत करवाना, समझा? मतलब बाबा आपने मुझसे झूठ कहा? कहा मैंने झूठ? मेरे दिल को ठेस पहुंची है पापा. You have hurt me, पापा. You have hurt me. मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ तुमको. नहीं रोना नहीं, मजाक लग रहा हूँ. ए मेरे बच्चे, रोना नहीं. अरे मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा. किसकी? संतरे वाली गोली खाऊंगा पापा. जंगल में जाएगा? जाऊंगा पापा. शेर पकड़ के लाएगा? लाऊंगा पापा. डरेगा तो नहीं? नहीं पापा. डर गया मेरा बेटा, डर गया. ये क्या बात हुई पापा? बेटे तू रोया मत कर बेटे. आप ही मुझे सैड करते हो. मैं तेरा बाप हूँ, आई लव हिम. और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ. तुझे पता है जब तू छोटा सा था ना, मैं तुझे नहलाया करता था. बाबा जब छोटे होते हैं कोई ना कोई नहलाता ही है. अच्छा तो जब मैं छोटा था तूने मुझे क्यों नहीं नहलाया? बाबा तब मैं था ही नहीं. वही तो, तू था नहीं, कहाँ चला गया था तू? है? अरे पापा मैं आया ही नहीं था. वही तो, आया नहीं था. तेरा छोटा सा बाप वहाँ बाथरूम में नहा रहा है. है? अभी साबुन पे पैर लग जाए, फिसल के गिर जाए, उसको कुछ हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अरे पापा मैं दुनिया में ही नहीं आया था. दुनिया में नहीं आया था, बाथरूम में तो आ सकता था. पापा चिल्लाना नहीं, मेरा बेटा आई लव यू. कोई नहीं होता है, ही इज अ वेरी टैलेंटेड. डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ मी, आई एम नॉट. हां ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय. बहुत अच्छा बेटे, आज बड़े बड़े मेहमान आए हैं, इनको गोरिल्ला बन के दे. बाबा नहीं, शर्म आती है. अरे नहीं, ही बिकम वेरी गुड गोरिल्ला, वी विल शो यू. उनको दिखा, उनके पीछे से निकल के आ जाए. दिखा दिखा, कुछ नहीं होता है. ओके, आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू गोरिल्ला. ओह लॉर्ड.
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करता है. थैंक यू अभी. Thank you, अनिल सर, आप जिम बहुत जाते हैं ना, ये आपको जिम मशीन बन के दिखाएगा. नहीं बाबा, मैं बॉडी बनाता हूँ, आप जिम मशीन बन गए. मैं बनू मशीन? आ जा बेटे. ओके ये देखो, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ कैसा. ओके, टुडे इज माय चेस्ट डे. ओके जोर लगा, जोर लगा, दूसरी बार भी लगा, जोर लगा. वाह बहुत अच्छे. ये क्या कर रहा है? अब मैं वेट बढ़ा रहा हूँ. और कितना वेट बढ़ाएगा तू? वेट बढ़ा रहा है, वेट बढ़ा रहा है. अभी स्पेशली फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज, ये अभी आपको पेंगुइन बन के दिखाएगा. आज फिनाले है, आज सब बनेगा. आ जा. We are presenting before you penguin. Thank you. Oh my God. Thank you. बहुत मजा आया, आप लोग आए फिनाले में. और जैसे आपकी सीरीज सेकंड पार्ट आया है, हम दुआ करते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट आए, ऐसे ही अगली बार भी आप लोग आइएगा. बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. फिर मिलेंगे अगले सीजन में हम लोग. नेक्स्ट सीजन कैसे होगा? एक्चुअली आदित्य का एक डायलॉग है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए था. कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे नहीं होना चाहिए था. नहीं होना चाहिए था ना. कभी आप फंसे ऐसी जगह पे? हाँ, स्कूल कॉलेज. आप फंसी हैं कभी ऐसे सोबिता? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा. नहीं, कभी भी नहीं. नो नहीं, नहीं. टुडे मुझे बहुत डर था यहाँ, मतलब यहाँ आने से पहले, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है. इतनी अच्छी तो बोल रही हैं, और क्या करना, ग्रंथ लिखने आपने हिंदी. इतनी अच्छी तो बोल रही हैं आप. तिलोत्मा को बोल रही थी, तुम बंगाली हो बट योर हिंदी सो गुड यार. अरे सर, अब तो आप इंटरनेशनल स्टार बन चुके हो. पहली आपको इंटरव्यू कोई आपकी याद है, जब आपको फील हुआ था कि अब मैं द अनिल कपूर बन गया हूँ? नहीं, जब मैंने पहली फिल्म की थी, एज तेलुगु फिल्म की थी मैंने. अच्छा जी. और लोग जानते नहीं थे, तो मुझे, मैं शिरडी गया. अच्छा जी. के काम नहीं मिल रहा है, तो मैं बाबा के पास जाते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं. और अच्छा जी. और पूछते हैं यार कुछ काम वाम मिलना चाहिए. ये बात कर रहा हूँ काफ़ी अरसे की बात कर रहा हूँ, 40 साल से ज़्यादा हो गया. अच्छा जी. तो वहाँ गया, तो जैसे मैं बाहर निकला, तो एक दो बसेस से लड़कियाँ बच्चे उतरे. अच्छा जी. तो यार सडनली मुझे उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया. अच्छा जी. और उन्होंने मेरी तेलुगु फिल्म देखी थी. अच्छा. ओम संरक्षम. तो उस दिन थोड़ी सी ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ है, कुछ कर सकता हूँ मैं. एक ये पहली बार ऐसा लगा था. फिर एक बार मैंने एक प्ले किया था, और उसमें दो कलाकार थे, उसमें शशि कपूर साहब चीफ गेस्ट थे. अच्छा जी. और यू नो उनका योगदान बड़ा रहा है मेरे करियर में, शशि कपूर साहब का. तो वो चीफ गेस्ट थे, और मेरे डायलॉग्स बहुत कम थे उस प्ले में, और आधे डायलॉग्स में भूल गया, और सबको लगा मैं एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ, और मुझे दिलीप कुमार ट्रॉफी मिला बेस्ट एक्टर का. वैसे अनिल सर, आप मैंने देखा आप इतने करेक्टर में घुस जाते हैं ना. कोई तो बोल रहा था कि अनिल सर जब पूरा घुसे होते ना करेक्टर में, कोई थप्पड़ थप्पड़ मारने का सीन हो तो मार भी जाते हैं असली में. नहीं, ये झूठ है. ये यू नो कभी कभी क्या होता है, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके बोलते हैं ताकि दो चार इंटरव्यू मिल जाए उनको. जितनी भी हीरोइंस हमारे शो पे आती है ना, कभी ऐसे खाने पीने की लेके बात, फिटनेस को लेके बात होती है, सब आदित्य के बारे में एक बात बोलती है कि आदित्य जितना चाहे डाइट फूड खा सकता है. इज इट ट्रू आदित्य? हाँ, 6 साल से डाइट पे ही हूँ. क्या क्या करना चाहते हैं आप? एक्टिंग करना चाहता हूँ. नहीं नहीं, इतने फिट है आप, मतलब. हाँ, पर करना पड़ता है ना.
आई हैव द पंजाबी जीन्स, तो मैं एक दो दिन में चीट कर भी लेता हूँ ना, तो देन आई पुट ऑन वेट वेरी फास्ट. वही मैं सोच रहा, जैसे मानसून चल रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, बगल में आपने एक ठेला देखा समोसे गर्म गर्म ही निकाल रहा है वो, देखना ही नहीं. उस समय आपके अंदर का कपूर आपको रोकता है समोसा खाने से, या समोसे को देख के आपकी अर्चना पूरन सिंह बाहर आती है? सॉरी, मतलब कभी कभी करना जरूरी है, बट जनरली मैं डाइट पे रहता हूँ. इट्स टफ टू बी एन एक्टर नाउडेज. या मैन, आप अर्चना जी जाने के बाद ना, पैकअप के बाद, ये जो आपके काउंटर के पीछे अंदर पाव भाजी और ये सब पड़ा होता है ना, वो प्लीज हटा के जाया करो, पता है? वो बट अर्चना जी इज लॉस्ट वेट, शी लुकिंग ब्यूटीफुल. यस, अर्चना जी तो बहुत खूबसूरत लग रही है. तुमसे यही पूछने आई थी कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, बीच या माउंटेन? मैं माउंटेन पे जाना पसंद करूंगा और आप भाड़ में जा सकती हैं. जी नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरी लॉटरी निकली है जिसमें दोनों कहीं भी जा सकते हैं. ओह वाह, तो मेरे को दे दो लॉटरी, दो जाने जा सकते हैं. या सो व्हाट्स द प्लान सुबिता? क्या बोला? बोल दिया मैंने एक बार जो बोलना था. व्हाट्स योर प्लान सुबिता? मतलब हीरोइंस के सामने इसकी बड़ी एक्सेंटेड इंग्लिश निकलती है, वरना घर पे बिल्कुल बस कंडक्टर की तरह बात कर रहे हैं. चला चला पूरे चला, ए चला चला. ओए ये लाइन किसने लिखी थी इसको? मैं बस कंडक्टर की तरह इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम अपने माइक को मिस ना करो. आपको पता है क्या हुआ? जो चीज तकलीफ दे रही है उसको निकाल क्यों नहीं देते? सुनो मेरी बात आराम. ये सर जी बस अड्डे पे इनका घर था और बस के नीचे सारी फैमिली सोती थी. सुबह 5 बजे उठना पड़ता था क्योंकि 5:15 बजे घर चल पड़ता था. नासिक चली जाती थी बस. ये सिर्फ बातें घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाता है, मुझे कहीं नहीं घुमाने लेके जाता. पिछले महीने में हम लोग भाई के लिए और लड़की देखने गए, मैंने कहा कि भाई तुम जीजा हो चलो साथ में कुछ हेल्प कर दो, वहां भी नहीं गया ये आदमी. मेरा अपना डिसीजन इतना खराब निकला, मैं कहां किसी की हेल्प करूं? सिर्फ तुम्हारा ही डिसीजन खराब निकला, भूरी जैसे आदित्य रॉय कपूर मिल गया. अनिल सर, आपने नायक में एक दिन के लिए आप सीएम बने थे, राइट? आई थिंक सारी बीवियों को एक दिन के लिए पति बनना चाहिए, तब मजा आएगा. अच्छा, पति बनना चाहिए? तुम 3 दिन पार्लर में जाओ, रवि बैल नगले लगती हो तुम. मेरे से ज्यादा पति लगती है. ये सिर्फ मुझ पे बातें बनाता है अर्चना मैम. कल मेरी फ्रेंड आई, उसकी लाल साड़ी पे इस आदमी ने इतनी तारीफें की, इतनी तारीफें की, मैं क्या बताऊं आपको. अच्छी लग रही थी लाल साड़ी में, तो मैंने तारीफ कर दी, उसमें क्या गलत है? घूमो जरा, जस्ट टर्न अराउंड. क्या? मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? गंदे कलर की. ए जी, ओ जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, ए जी, ए मम्मी, लो जी, लो जी, इनकी सुनो जी. आज आप दोनों क्या बन के आए? अरे आज मैं इनकी राधा उर्फ माधुरी दीक्षित बन के आई हूँ. और मैं इनका लखन यानी कि अनिल कपूर बन के आया हूँ. लग रहा है ना झकास? अरे बेटर जबरदस्त झकास का तो पता नहीं, दोनों आप झापड़ी के लग रहे. सॉरी माफ कीजिएगा, ये मम्मी पापा थोड़ा नौटंकी करते रहते हैं. really sorry. अच्छा जी, हम नौटंकी करते रहते हैं? तो बोलो देख लो, ये नौटंकी भी हमने ही करी है. अरे छोड़ो ना, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनसे बात करो. अरे अरे हाँ, सॉरी. अनिल जी प्रणाम. अनिल जी आपने 1-2 का 4 करा था ना? अरे हमने 1-2 का 9 कर दिया. ओके सर. अरे वो कैसे? ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, हम दोनों ने मिलके 9 बच्चे पैदा किए. 1-2 का 9. कब सुधरोगे आप दोनों? अरे ऐसा सुधरना पॉसिबल है? तुमको खूबसूरत दिखना पॉसिबल है क्या?
अनिल सर, वो मिस्टर इंडिया में आपने घड़ी पहनी थी, जो पहन के आप गायब हो जाते, तो प्लीज मुझे वो घड़ी दे दो, मुझे इन दोनों को मेरी जिंदगी से गायब करना है। अरे घड़ी की क्या जरूरत है बेटा, हम दावा जी से 5 लाख रुपया उधार ले लेते, हम वैसे ही गायब हो जाएंगे। यार एक सेकंड, दामाद से कौन पैसे मांगता है पापा? तू तो बात ही मत कर, हमेशा इनसे झगड़ती रहती है, हमें तो लगता है कि तेरी वजह से ये सीजन ये खत्म कर रहे हैं। वरना उनका तो फ्लड हर हीरोइन के साथ अच्छा चल रहा था। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। फिल्म सिटी में इतने लेपड़ निकलते हैं, इनको कोई नहीं खाता, पता नहीं। फैमिली मेंबर। अनिल जी, ये लोग इतना लड़ते रहते कि पूछो मत। 2 साल हो गए इन लोगों की शादी को। अरे 2 साल में हमने तो बच्चों की हैट्रिक लगा दी, इन्होंने तो अभी खाता भी ना खोला। सर, तो आपको वैसे भी और कोई काम नहीं था? तो तू बड़े बड़े बैंक चलाती है जैसे। एक मिनट, अरे शुक्र मना, दामाद जी ने मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया, वरना अब तक तू अमृतसर में ना तंदूर में कुलचे ही लगा रही होती। ऐसी नहीं, ये काम करो, कुलचे ही खाना वहां के, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनाने वाली। नहीं नहीं, हमको रोटी चाहिए भी नहीं। वैसे भी दामाद जी, ये सीजन तो अभी खत्म हो रहा है। हाँ जी। ये सब चीजों का आप क्या करेंगे? किन चीजों का? वो तो सफेद राजा है ना, वो हमें दे दो। क्या सफेद? ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये काजू है वो पापा, काजू। ओ हेलो, तूने यही आके देखा, यही नाम सुना है तूने भी, अब तक चखे नहीं है, रखे ही है वो। हाय बढ़िया काजू। चलो फिर ऐसा करते हैं, रात का डिनर है, लेके चलते हैं। अच्छा दामाद जी प्रणाम, बाय एवरीबॉडी, नमस्कार। सर जैसे आपकी सीरीज का दूसरा पार्ट आ गया, वैसे ही सोनी टीवी पे इंडियाज गॉट टैलेंट का नया सीजन आ रहा है, और आज हमारे फिनाले एपिसोड में 4 चांद लगाने के लिए कुछ कलाकार यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं शो के होस्ट से, प्लीज वेलकम एंकर मिस्टर अर्जुन बिजलानी। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। सर ह्यूज फैन, कैसे हो? हेलो हेलो, हाय 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 हाय। अर्जुन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और IGT होस्ट कर रहे हैं आप, मैं आपको कुछ ऐसे ही राय देना चाहता हूँ। आपके जो शो के जजेस होंगे उनको आपने ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, ब्रेक हो जाए, लाइट चली जाए, कुर्सी नहीं छोड़नी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सूत्र घूम रहे हैं जो आज के बाद थोड़ा खाली होने वाले हैं। तो सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि खाली कुर्सी पे तो वो बैठ ही सकते हैं, अगर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है वो उसके ऊपर भी बैठने को तैयार है। तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए अर्जुन, आप देश के कोने कोने में नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपके अपने रिश्तेदारों को पता होगा आप IGT होस्ट कर रहे हैं, कभी ऐसे किसी का फोन आया कि अमृतसर वाली बुआ का बेटा है वो जीप नाक से लगा लेता है, उसको भी ले जाओ? पाजी ऐसे बहुत फोन आते हैं। अच्छा, कि यार वहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट में कुछ करा सकते हो क्या? अच्छा। आप तो किरण जी को जानते हैं, वो तो आपको मना नहीं करेगी। मैंने कहा मैं खुद वहाँ मुश्किल से पहुंचा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे? तो अर्जुन IGT से आप जो नया टैलेंट ढूंढ के लाए हैं वो प्लीज हमारे दर्शकों के रूबरू कराइए, अब मंच जो है वो आपके हवाले। पाजी सबसे पहले मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि पिछले साल का जो टैलेंट था और इस साल का जो टैलेंट है, मैं इस साल का जो टैलेंट है एक लेवल ऊपर है। तो मैं दिल्ली में गया था, तो वहां पर रात को वो जो अपने ड्रोन होते हैं उससे उन्होंने एक करिश्मा कर दिया था आसमान में, 500 ड्रोन जो है एक साथ उड़ रहे थे, और जो उन्होंने इमेजेस वहाँ फॉर्म की लाइट्स के साथ, जब आप वो देखोगे आई एम टेलिंग यू इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव विटनेस लाइव। फिर डांस और कैलिस्थेनिक्स का भी कॉम्बिनेशन देखा, तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो टैलेंट है वो सिर्फ इंडिया का बेस्ट नहीं है, इनफैक्ट वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट है। और ये बात प्रूव करी है मनुराज और दिव्यांश जो पिछले साल के विनर थे, और वॉरियर स्क्वाड्स करके जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में यू नो नाउ दे रीच देयर, दे रीच द सेमीज देयर। मैं चाहूंगा किसी दिन अभी ऐसा भी हो कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट के जो लोग हैं वो कहे कि हमें इंडियाज गॉट टैलेंट में जाना है। वेरी नाइस, तो बुलाइए सर। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा एक मैजिशियन है, करण खन्ना। नमस्ते अर्चना मैम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे हैं? नमस्ते एवरीवन। नमस्ते ऑडियंस, मेरा नाम करण खन्ना है, मैं एक मेंटलिस्ट और इल्यूजनिस्ट हूँ, और आज आप लोगों के लिए मैं आपकी इमेजिनेशन से कुछ बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग करने वाला हूँ। किसको गायब करेंगे आप?
सर आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे से? नहीं सर, आपको गायब नहीं, आप सर प्लीज बैठ जाइए। मैं चाहता हूँ सर आप भी देखें। शुक्रिया जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो सर मेरे पास यहाँ पे दो फोन है, एक अनिल सर मेरे राइट हैंड में, एक मेरे लेफ्ट हैंड में। कोई भी एक चूज कर लो, राइट वाला या लेफ्ट वाला, जस्ट नेम वन। ये वाला ठीक है, दूसरा मटा दी, इसे अपनी पॉकेट में डाल लो, वी विल यूज दिस। तो मेरे पास एक फोन है, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। फोन, फोन कवर। मैं इस फोन को कवर में डाल दूंगा। कपिल सर आप अपना ये वाला हाथ आगे कर दो, अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लो, क्लियरली ठीक है, इस तरह रहेंगे हम। सर आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, मेरे पास यहाँ कुछ कॉइन्स हैं। हाँ जी सर, आप प्लीज इन कॉइन्स को ले लीजिए। सर हाँ जी सर, इनमें से सर आप कोई भी एक कॉइन चूज करके मुझे दे दो, कोई भी। तो अनिल सर ने ये कॉइन सिलेक्ट किया, सबको दिख रहा है। सर अपना लेफ्ट हैंड आगे कर दो खाली करके, वो वाले कॉइन कॉइनों साथ में रख दो सारे। इस कॉइन को हाथ बंद कर लो अपना और टाइटली टर्न कर लो, बाकी कॉइन्स हम हटा देंगे। तो एक कॉइन अनिल सर के पास है और फोन कपिल सर के पास है। हाँ जी, अभी कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये कॉइन और ये फोन कनेक्ट होने वाले हैं, जो इस कॉइन के साथ होगा वो इस फोन के साथ होगा। तो अनिल सर इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ आप अपनी इमेजिनेशन यूज करें और इमेजिन करो अपने मन में कि जो कॉइन है वो गायब होने वाला है। मैं थ्री तक काउंट करूंगा, थ्री पे आपको इमेजिन करने गायब हो जाए। और अगर ये ट्रिक गलत होती है तो ये सर की गलती है, क्योंकि इमेजिन ये कर रहे हैं। सर वन टू थ्री, रियली बिलीव कि कॉइन गायब हो चुका है। सर ये सर, आपको अभी भी कॉइन फील हो रहा है अपने हाथों में? सर की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, कॉइन एक्चुअली में गायब हो चुका है। अपना हाथ से टर्न करो और धीरे से खोलो। इफ यू सी दिस, कॉइन का मेटल गायब हो चुका है, कॉइन अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। बट मैंने ये कहा था कि जो इस कॉइन के साथ होगा वो ही इस फोन के साथ होगा। कभी सर आपको फोन फील हो रहा है अपने हाथों में? अपने सर हाथ हटाओ धीरे से, फोन का कैमरा आपको दिख रहा है? फोन का कैमरा और फोन दोनों गायब हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो दिस वॉज जस्ट स्टार्ट, इसे हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ है, मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है। आइए सर। ओ प्लीज, ठीक है सर, ऑसम। ये बॉक्स में यहाँ रख दूंगा। मैं भी इधर देख लूँ मेरी गर्दन। तो सारे कार्ड्स ऑब्वियसली ऑडियंस को मैं दिखा दूँ, सारे कार्ड्स अलग अलग हैं, क्लियरली सर आप भी देख सकते हो। ऑल द कार्ड्स आर लिटरली डिफरेंट, ठीक है। आई शफल द कार्ड्स। तो सर अपने दोनों हाथ ऐसे टेबल की तरह रख लो, तो सारे कार्ड्स लिटरली अलग है। मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई भी डाउट रह जाए। तो सर मैं आपके हाथों में, आई जस्ट कीप ऑन डीलिंग द कार्ड्स, आप कहीं पे भी स्टॉप बोल दो, जहां आपका मन हो। स्टॉप ऑन दिस, आपने खुद कहा है, मैं इसे टर्न कर दूंगा सीधा। फोर ऑफ हार्ट्स, अगर आप एक सेकंड पहले स्टॉप कहते तो किंग ऑफ हार्ट्स होता, एक सेकंड बाद में बोलते तो क्वीन ऑफ हार्ट्स होता। इनफैक्ट ये आपका कार्ड है, इनफैक्ट आप कहीं भी स्टॉप बोल सकते थे। शुरू में मैंने एक बॉक्स रखा था यहाँ पे, इस बॉक्स के पीछे मैंने कुछ चिपकाया हुआ है। सर अनिल सर आप इसे नीचे करके दिखाना चाहेंगे सबको, क्या लिखा है? आप कीजिए। ओ तेरी, यू विल चूज द फोर ऑफ हार्ट्स। यार ये ट्रिक बड़ा खतरनाक है। आई क्या बात है। बट इस ट्रिक को मैं चाहता हूँ अभी हम और स्पेशल बनाए। तो सर मुझे इस पे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, जैसा आपने कभी साइन नहीं किया वैसा इस पे साइन कर दीजिए प्लीज। और सर अपना एटीएम पिन नंबर भी अगर आप लिखते हैं। कॉमेडी करता है सर, आप भी सीख रहे हैं। तो ये अभी बहुत वैल्यूएबल कार्ड बन चुका है, ठीक है सर का फोर ऑफ हार्ट्स आपके नाम के साथ। क्लियरली कहीं भी सेंटर में जा रहे हैं आप, क्लियरली दिख रहा होगा। अभी ऑब्वियसली टॉप पे नहीं हो सकता, ये बॉटम पे नहीं हो सकता, बट वॉच वेरी क्लोजली। अगर बस मैं ये करूँ, जो सर का कार्ड था इट जंप्स ऑन टॉप। इसे एक बार फिर से सर फोर ऑफ हार्ट्स, आप आधे कार्ड्स खुद उठा लो एक बार, ठीक है। योर कार्ड गोज ओवर हियर, ये ऑब्वियसली टॉप पे नहीं है, सिक्स ऑफ हार्ट्स है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हैरान हो गए अगर इनका कार्ड टॉप पे आ गया हो। ऑफ कोर्स नहीं आ सकता यार, कैसे आ सकता है। इनका कार्ड टॉप पे आ चुका है इनके ही हाथों में, चेक द टॉप कार्ड। व्हाट, रियली अमेजिंग, टू गुड भाई।
गुड। क्योंकि ये नया सीजन है, नया हमें कुछ दिखाना है, तो इस बार जो भी होगा आपको दिखेगा अपनी आंखों के सामने। मैं एक रैंडम कार्ड ले लूंगा जोकर। सर मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करो अपने माइंड से कि आपका नाम इस पे लिखा हुआ है। 3, 2, 1 And this changes into your signed card. And the joker is over there. Kapil sir, एक हमारे पास four of hearts है जो सर ने साइन किया है और एक हमारे पास जोकर है। दोनों में से एक का नाम लो, four या जोकर। जोकर। जोकर? ये दोनों अब जोकर बन चुके हैं। Turn them sir. नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं। Wow. शुरू में अनिल सर मैंने आपको एक फोन दिया था। अभी गायब नहीं हुआ I think. नहीं गायब नहीं। मैं सर ले सकता हूँ फोन? वो फोन शुरू से सर के पास है, ठीक है? या बहुत स्पेशल हो गया मेरा फोन। अगर मैं अपने फोन को अनलॉक करूं तो मेरे फोन के अंदर एक कार्ड है। अभी रियल नहीं है ऑब्वियसली, बट लुक, ये निकल आता है बाहर। व्हाट? ये भी एक फोर ऑफ आर्ट्स है, पर सर मुझे ये नहीं पता कि कैसे इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, वाओ। सो नॉर्मली आई गिव दिस कार्ड अवे, बट ये मैं रखूंगा। सर्टेनली यार, बाजी आधे मर जानना चाहते हैं कि बीवियां कैसे गायब होती हैं। मेरी अभी शादी हुई है, ऐसी बातें मत करो। मैम, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू, कैन आई कम टू यू एंड ट्राई समथिंग आपके साथ? यस ओके, ट्राई समथिंग, स्पेसिफाई व्हाट? कैन आई ट्राई समथिंग विद यू? सो मैम, यू आर एन अमेजिंग एक्ट्रेस। थैंक यू। तो आई विल ट्राई कि आपके एक्सप्रेशंस हम रीड करें किसी तरह। तो मेरे पास एक बुक है मैम, मैं चाहता हूँ आप इस बुक को देखिए कि सारे पेजेस अलग है। मैं इस तरह आपको दिखा भी देता हूँ कि सारे पेजेस अलग है। हम कुछ इम्पॉसिबल करेंगे मैम। मैं आपको एक पेंसिल दूंगा, मैं उधर जाऊंगा स्टेज पे, सब देखेंगे, मेरी आंखें बंद होंगी। आपको बुक कहीं पे भी खोलनी है, किसी भी पेज पे, और कुछ मुश्किल बनाने तो आप एक बड़ा वर्ड सोच लेना और जो भी आप वर्ड देखो उसे आप अंडरलाइन कर देना और पेंसिल वहीं रख के बंद कर देना। और ये बुक आप ना किसी को दिखाओगे ना कोई आपसे मांगेगा। आई विल गो ओवर देयर मैम, ठीक है? और मैम जब भी आपने कर दिया हो जस्ट लेट मी नो। हाँ हाँ कर दिया मैंने, ठीक है? सो और बुक बंद कर दो। एक वर्ड आपके माइंड में है मैम, दिस टाइम प्लीज हेल्प मी आउट। अपने सिर्फ अपने माइंड में अपने वर्ड को इधर इमेजिन करो, ओके? विजुलाइज करो अपने वर्ड को कि यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एंड आई कैन लिटरली सी इट इन योर आईज। ओके, आई थिंक आई गॉट समथिंग। बस एक और मार्क करो मैम, अपनी आंखें बंद कर दो एक सेकेंड के लिए। आई जस्ट गॉट दिस मैम, आंखें बंद रखना, लाउडली आंखें बंद करके, व्हाट इज द फर्स्ट अल्फाबेट? सी। Wow. Okay, okay. But I think I have an idea, ma'am. मुझे लग रहा है आपको वो चीज़ पसंद है जो आपने सोची है, but don't say anything. Just keep on thinking about it. Okay. So ये word मुझे लग रहा है मैम सोच रही है। मैम ने कोई भी बुक ली, कहीं भी खोला, मुझे लग रहा है मैम ने ये word अपने मन में सोचा है। सबको दिख रहा है word? Just say yes अगर दिख रहा है। रात के इस बोलना समय नहीं, बोलना नहीं, ये टाइम पे तो ये नहीं सोच सकती मैम। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाउडेस्ट वॉइस, व्हाट इज द वर्ड यू आर थिंकिंग ऑफ? कैपुचिनो। गिव मैम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अमेजिंग ब्रो, सुपर्ब। हाउ डिड यू डू दैट? आई विल बी आउट ऑफ माय जॉब अगर मैं आपको बता दूं। बट दैट्स अमेजिंग करण, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज़ इस किताब में I opened randomly any page or I was searching ki kaun sa word wo 5-6-7 letters se zyada hoga and that's the word, but there are so many other words. Thank you so much fam, thank you, that means a this lot. This is amazing. So audience, aap log mante ho na ki India's got talent. Woo! For more updates subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.